क्या एमपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? क्वेश्चन आंसर बताओ अब, क्या एमपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं? यस और नो? अनिल कह रहा है हाँ, और बताओ सही कह रहा है ये, हाँ हो सकती है। क्या एमपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। अभी देखो ना, अभी तो बनवाई टेबल मैंने, कहाँ थी नेगेटिव, क्योंकि चेंज इन सेविंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज इन सेविंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब एमपीएस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेस देन वन हो सकती है? एपीएस की वैल्यू लेस देन वन और नेगेटिव हो सकती है, बताओ। एपीएस, एपीएस सकती है ना, सेविंग नेगेटिव होता था एपीएस। उत्तर तुम तो आंसर हवा में कर रहे हो, तुम तो थे ही नहीं पिछले सेशन में। एपीएस की वैल्यू है ना, एक मिनट पिन करूं मैं, एक बार वीडियो घुस गई अब ठीक है। ठीक है और क्या था, क्या एपीएस की वैल्यू वन से ज्यादा हो सकती है? नहीं सर। क्या एपीएस की वैल्यू वन से ज्यादा नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? आपकी सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन नेशनल इनकम। सेविंग कभी भी इनकम के इक्वल या इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, अभी मैं एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा पूरा कि किसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन ये आपको समझ आनी चाहिए। टेबल हम बना चुके हैं, आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कौन सी वैल्यू कब वन, वन से ज्यादा, वन से कम, किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती। इसका मतलब जो एमपीएस है वो भी जीरो और वन के बीच में वैरी करता है। मैंने एक नोट लिखवाया था ना पीछे एमपीसी में कि एमपीसी जीरो और वन के बीच में वैरी करता है, और एमपीएस भी जीरो और वन के बीच में ही वैरी करेगा। देखो ये नोट लिख लेते हैं, निकालो कॉपी। यहाँ जगह है थोड़ी सी बची हुई है, यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। नोट नंबर वन, एमपीएस वेरी बिटवीन जीरो एंड वन। जो एमपीएस है वो जीरो और वन के बीच में वेरी करेगा। If the entire additional income is saved, अगर जो additional income है वो पूरी की पूरी सेव कर लें, that is, अगर मेरा डेल्टा सी जीरो हो जाए, that is, delta C is equal to zero, then MPS is equal to one. तो मेरा एमपीएस वन हो जाएगा। फिर अगर however if entire additional income is consumed, अगर हम सारी की सारी additional income consumed कर लें, अगर हम सारी की सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड कर लें, एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा एस जीरो हो जाए तो एमपीएस इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वैल्यू जीरो आ गई। तो जो एमपीएस है वो जीरो और वन के बीच में वेरी करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में जीरो और वन के बीच में वेरी करता है। हो गया था ना सबका? ये मैसेज कितने, इतनी जल्दी इतने मैसेज कैसे आ गए? ठीक है, डिफरेंस है क्या इसके बाद? मेरी बुकलेट कहाँ गई? क्या क्या था, मैं पढ़ा भी चला जा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा था हमने? यहाँ देखो है ना, एपीएस, एमपीएस, एमपीएस के बाद डिफरेंस लिखना है हमें, डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस बिटवीन,
डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस, डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस, एक कॉलम बेसिस का बनेगा, एक बनेगा एपीएस का और एक बनेगा एमपीएस। पहला पॉइंट मीनिंग, इसका तो आपने भेज दिया पहले ही, वो उसका था एपीसी और एमपीसी का था, वो एपीसी और एमपीसी का था, ये एपीओ और एमपीएस। पहला पॉइंट मीनिंग, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग, इट रेफर्स टू द, जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग, अभी मीनिंग पहले लिखवाया था मैंने, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द पर्टिकुलर, टू द पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर आपका यहां पर इट रेफर्स, इट रेफर्स टू द रेशियो, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग। इससे पहले नोट लिखवाया, एक नोट लिखवाया भी दिखा दूंगा, चेंज इन सेविंग, इट रेफर्स टू चेंज इन सेविंग टू, टू चेंज इन टोटल इनकम, टू चेंज इन टोटल इनकम, इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों का मीनिंग। नंबर टू, वैल्यू, वैल्यू लेस देन जीरो, वैल्यू लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? यस, आंसर इज यस, एपीएस कैन बी, एपीएस कैन बी लेस देन जीरो, एपीएस कैन बी लेस देन जीरो हो सकता है, एपीएस कैन बी लेस देन जीरो व्हेन, व्हेन देयर आर डिस सेविंग, व्हेन देयर आर डिस सेविंग मतलब सेविंग जब नेगेटिव होगी, व्हेन देयर आर डिस सेविंग, That is C more than Y, जब तक हमारा C more than Y होगा तब तक, ठीक है। MPS, MPS can never be, MPS can never be, MPS can never be less than zero, less than zero, MPS कभी भी zero से ज्यादा नहीं हो सकता, as change in saving delta s, as change in saving can never be, can never be negative, change in saving can never be negative, change in saving can never be negative, that is iska matlab kya hai, that is change in consumption can never more than change in income, change in consumption कभी भी change in income से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए change in saving कभी negative नहीं हो सकती। तीसरा point, stock और flow, कौन सा stock है और कौन सा flow है, जो point of time पर measure होता है वो stock होता है, तो APS is a stock concept, APS is a stock concept क्योंकि ये point of time पर होता है, और MPS is a flow concept, ये flow concept है क्योंकि ये पेपर आ गया है CBSE का, पता है ना सबको, मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं उस पे, बट आ गया है, तीन चार दिन पहले CBSE का पेपर आ चुका है, सैंपल पेपर जो होता है, इस बार बहुत धमाकेदार चेंज है उसमें, चेंज ये है कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी है,
एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं बनाता हूँ वीडियो, उस पे पेपर डाउनलोड कर लूँ। मैंने उस दिन करे थे डाउनलोड, करप्ट हो गए मेरे गूगल ड्राइव में। हाँ, जो CBSE सैंपल पेपर इशू करती है ना अपने पैटर्न, मतलब वैसा ही आएगा आपका बोर्ड एग्जाम। माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? सर MPS का सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। सेकंड पॉइंट ये था, MPS कैन नेवर बी लेस देन जीरो एज चेंज इन सेविंग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एज डेल्टा एस कैन नेवर बी नेगेटिव। चेंज इन सेविंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज डेल्टा सी कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई। चेंज इन कंजम्पशन कभी भी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जो सेविंग है वो कभी भी नेगेटिव में, मतलब डेल्टा सेविंग, चेंज इन सेविंग कभी नेगेटिव नहीं होगी। लिख लिया सबने? सर एक बार फर्स्ट नोट दिखा दो। ये फर्स्ट नोट वेरी करता है जीरो और वन के बीच में वैल्यू। MPS वेरी बिटवीन जीरो एंड वन। अगर If the entire additional, माइक बंद रखो, माइक तो बिल्कुल बंद रखा करो, ठीक है ना, क्योंकि मैं यही क्लास डाल देता हूँ उठा के, फिर तुम्हारी पीछे की आवाजें भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। जब किसी को पूछना हो कुछ तभी खोलो माइक। If the entire additional income is save, अगर पूरी की पूरी additional income हम save कर लेंगे तो मेरा MPS वन हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा सी जीरो हो जाएगा वहां पे। और अगर इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम तो आपका डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, तो MPS इक्वल टू जीरो। MPS की वैल्यू जीरो और वन के बीच में वेरी करेगी। एक नोट और लिखेंगे, लिखें अगला नोट। देखो नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है, हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। ओहो पूरा नहीं लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये लो चलो लिख लो, कोई नहीं लिख लो। सीएसक्यूसी डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस पी वाई होता है। बंद कर लो माइक, बंद कर लो, किसके माइक ऑन हो रहे हैं बार बार? ये मैंने वीडियो रिज्यूम कर दी थी, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाई। चलो कोई नहीं, दोबारा से दो मिनट में सुन लो एक मेरी बात। दोनों का सम वन होता है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू वन हमने करा था। क्यों करा था? क्योंकि इसका फॉर्मूला सी अपॉन वाई प्लस इसका फॉर्मूला एस अपॉन वाई, तो वाई वाई एलसीएम आ गया, और सी प्लस एस वाई होता है हमें मालूम है, सी प्लस एस होता है वाई के बराबर, ये हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई में, एस इक्वल टू सी प्लस एस होता था और AS इक्वल टू Y भी होता था, तो Y इक्वल टू C प्लस S होता है। ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये वन हो गया। फिर हमने ये लिखा कि इन दोनों का सम भी वन होता है, MPC प्लस MPS इक्वल टू वन, और हमने यहाँ पे इनका फॉर्मूला लगाया डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y और डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, तो डेल्टा Y LCM में आ गया कॉमन, तो डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब देखो ध्यान से, मैं आपको क्या बताने जा रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मान लो आपकी इक्वेशन है Y इक्वल टू C प्लस S, तो मैथमेटिक्स क्या कहता है हमें, जो मैथ वाले भैया बताते हैं वो क्या बताते हैं कि मैथ में आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए, है ना, चाहे आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, प्लस करो, लेकिन वो दोनों साइड में। अगर मैं यहाँ डेल्टा लगा दूं, यहाँ डेल्टा लगा दूं, यहाँ डेल्टा लगा दूं, तो क्या कुछ गलत होगा इसमें? नहीं होगा। इसमें डेल्टा की मल्टीप्लाई, इसमें डेल्टा की मल्टीप्लाई, इसमें डेल्टा की मल्टीप्लाई, तो मैंने तो पूरी इक्वेशन में करा ना काम, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो ये सही है। तो अगर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई के इक्वल हो, तो यहाँ पे डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस में यहाँ रख देंगे डेल्टा वाई, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वन, और ये हो जाएगा आर एच एस के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल।
ठीक है, समझ गए ना। दो नोट आपको बस ध्यान रखने हैं कि इन दोनों का संबंध होता है और इन दोनों का संबंध होता है, वो तो मैंने प्रूफ करके ऐसे दिखा दिया आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसका संबंध, इसका संबंध, इसका वन, क्यों वन होता है, क्योंकि जो इनकम होगी आपकी, इनकम इज ईदर यूज फॉर कंजम्पशन और सेविंग। नहीं नहीं लेव नहीं करना, अभी रुक जाओ, बड़ी जल्दी में हो। ईदर यूज फॉर सेविंग और कंजम्पशन, और जो इंक्रीमेंटल इनकम होगा वो भी ईदर यूज फॉर कंजम्पशन और सेविंग। अभी हुए कहा 40-40 मिनट के, तो दो सेशन भी नहीं हो पाए, ठीक है। अभी रुक जाओ, मेरे को एक टेबल बनवानी थी, मैं इसमें से दिखा देता हूँ, या बंद रखिए किताब में, क्या जरूरत है हमें टेबल बनाने की ना, बुक में से दिखा देता हूँ मैं। मैं भी वही चीज लिखूंगा, यहाँ भी वही चीज लिखी है। ये देखो संदीप गर्ग की किताब होगी सबके पास, जिसके पास ना हो संदीप गर्ग वो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा इसकी फोटो। ये एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिया हुआ है इन्होंने, एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, आप घर पे इसको सॉल्व कर लेना अपने आप। इनकम ले रखी है, कंजम्पशन ले रखा है और सेविंग निकाल दिया। ये कॉलम मत बनाना, ये इन्होंने ऐसे बना रखे, ये दो कॉलम काट दूं मुझे बेकार लग रहे हैं ये, ठीक है। ये दो कॉलम मैं नहीं बनवाऊंगा अपने न्यूमेरिकल में कभी भी, ठीक है ना। फिर आप एपीसी निकाल देना, एपीसी सी अपॉन वाई। अरे वो डेल्टा एस और डेल्टा सी निकाल के दिखा रहा है, हम डायरेक्ट कर लेंगे ना, देखो ना तुम तो एक्सपर्ट हो। देखो अगर मुझे एमपीसी निकालना है, अगर मुझे एमपीसी निकालना है तो मुझे कंजम्पशन का चेंज देखना है कितना, 90 का चेंज और इसमें 100 का चेंज, तो 90 अपॉन 100 0.9 आ गया, ठीक है। उसने ये निकाल दी थी वैल्यू 90 90 90 90, मतलब कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, फिर एक जगह पे अलग भी था, सब में 90 है, सब में सेम है, ठीक है ना। मैं अपने न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, वहाँ ये दो कॉलम नहीं बनवाया करूंगा मैं, ठीक है। ये तो ऐसे बना दिए थे उसने समझाने के लिए। तो आप एपीसी निकाल दोगे, अब एपीसी और एपीएस का सम वन होता है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप एस को वाई से डिवाइड करो। कहोगे सर ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा डिवाइड करना, हम एक काम करते हैं ना माइनस कर लेते हैं, हमें पता है इन दोनों का सम वन होता है, तो जो ये आंसर आ गया इसको वन में से माइनस कर लो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो वन में से वन को माइनस करोगे तो जीरो, वन में से 0.97 करोगे तो 0.03, वन में से 0.95 को माइनस करोगे तो 0.05। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि दोनों का सम वन के बराबर होता है। एक निकाल दिया सी अपॉन वाई करके और दूसरे को वन में से माइनस करके निकाल दिया, या फॉर्मूले से निकाल दो एस अपॉन वाई तब भी यही आएगा। फिर ऐसे ही एमपीसी निकाल दिया और इसको वन में से माइनस कर दिया तो ये आ गया, क्योंकि दोनों का सम वन होता है, ठीक। अब देखो ये जो काम की चीज है, ये टेबल बना रखी है यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके कि ये वैल्यूज नेगेटिव लेस देन जीरो, क्या एपीसी लेस देन जीरो हो सकता है? नो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी बार, क्योंकि वहां ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है इसलिए। क्या एपीएस हो सकता है? यस। कब हो सकता है? जब डिस सेविंग हो, डिस सेविंग की सिचुएशन में नेगेटिव हो सकता है एपीएस। क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई, ठीक है, क्योंकि आपका डेल्टा एस कभी भी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता। ये डेल्टा एस की जगह ना डेल्टा सी लिखना, गलत लिखा हुआ है यहाँ, देखो कुछ गलतियां भी होती है ना किताबों में। डेल्टा सी कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई, इस वजह से। क्या एमपीएस हो सकता है नेगेटिव? नो, एज डेल्टा सी कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई, ठीक है, इसका भी रीजन वही है, सेम रीजन। फिर आपका जीरो, क्या एपीसी जीरो हो सकता है? नो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी बार, सी बार की वजह से। क्या एपीएस हो सकता है? यस, व्हेन सी इक्वल टू वाई ब्रेक इवन पॉइंट पे। ऐसे ये पूरी टेबल बनी हुई है, एक बार आप एनालाइज कर लेना, अगर किसी को ना समझ आए तो मैं बता दूंगा। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ सारी बातें कि कब वन, कब जीरो, कब वन से कम, कब वन से ज्यादा, कौन सी वैल्यू हो सकती है और कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। बात समझ आ गई ना? कुछ बच्चे जानबूझ के भाग गए बीच में से, गलत तरीका है ये, कौन गया है? अमन भागा है, ठीक है। अब मैं बंद कर देता हूँ, ये पढ़ लेना यहाँ तक बस, अब हमारा थोड़ा सा बचा है डेरिवेशन, और उसके बाद डेरिवेशन के बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और फिर फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बंद करते हैं।